satsang. Satsang kart bhot din bite, ab to chhod purani baan, kab lag kare kutilta guru se, ab to le guru ko pehchan. Ye satsang santbani ka shabd hai. उसमें बताया सत्संग करते आपको बहुत दिन हो गए और आपकी जो पिछली आदतें हैं वो छोड़ नहीं रहे, तो सत्संग में क्या करना है, जो पीछे के संस्कार हैं घटिया उनसे आदमी को बरी होना है, जानबूझ के ये समझे ज्ञान आ जाए, तो जब वो कोई चीज़ आई है घटिया विचार उनको काट दे सत्संग से। अब तो छोड़ पुरानी बाण, सत्संग कर तो बहुत दिन बीते, बहुत दिन हो गए आपको करते, अब तो छोड़ पुरानी बाण और कब लग करे कुटलता करो उसे, बात कुछ फिर बताता कुछ कब तक करे कुटलता गुरु से, अब तो दे गुरु को पहचान के सबको जानी जान है, चाहे क्या उसके बता रहा है सही बता। यानी सत्संग से क्या होता है, आदमी को समझ आ जाती है ज़िंदगी को जीने के लिए, लैंड ऑफ एक्शन मिलता है, गुरु मार्गदर्शन करता है ऐसे नहीं ऐसे, और उसकी बात को फॉलो करके सोच के उसका निचोड़ निकाल ले कि मेरे लिए कौन सी बात ठीक है, जो आज बात कही मेरे लिए कौन सी अप्लाई हो, मैं कौन सी बात में हूँ, ये बात मैं करता हूँ मेरे को इसे छोड़ देना चाहिए और ये बात मेरे को अपना लेनी चाहिए, तो उसकी बात को मानना और उस पर अमल करना, यानी उस रैणी में देना, तो रैणी जब रहता है तो उसके बाद में क्या हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान के बाद में क्या होता है कि जब वो ज्ञान हो गया सब चीज़ का ये है, तो इस दुनिया में रहते हुए जो कुछ घटना घट रही है उससे दुखी नहीं होता वो, और उसके साथ जो घटी है उसके साथ मन के साथ धन के साथ जो घटी है उसे दुखी नहीं होता, क्यों ज्ञान हो गया कि भाई ये तो मेरा एक कर्म है, कोई अशुभ कर्म था उसने ये बात थी कि उस अशुभ कर्म था ऐसे ऐसे उलझ गया, तो सुलझाना कैसे है ऐसे, उसका वटा सूझ सूझेगी, उसका मन साफ हो गया, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई चलाकी नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल मन साफ हो गया, तो जो बात होगी उसको हल करने का तरीका सहज ही उसको पता लग जाए उसके अंदर ही, क्योंकि इंश्योरेंस है तो मन मेरा है नहीं, डुप्लीकेसी है नहीं, तो उसको जो तरीका है, कोई समस्या आ गई इस लोग की, जैसे कोई रोग लग गया, तो रोग लग गया तो कोशिश करनी चाहिए आजकल डॉक्टर डॉक्टर इसीलिए हैं ठीक करने के लिए, ये सब कुछ ये सहायता हैं आदमी की सहायक है, और उससे देख करके ठीक करना चाहिए, कराना चाहिए, इलाज देना चाहिए, उसे पूछना चाहिए, और उसके बाद नहीं होता है कोई बात तो नॉट टू ब्लेम एनीबॉडी, क्यों कि हम ब्लेम करते हैं कि उसने कुछ नहीं किया, उसने देखा मेरे को इतना दिन हो गया ऐसे काम का, हम कहते हैं दवाई देता रहता रहा, हमको समझ नहीं आई उसको, उसको समझ नहीं आई तो दुखी नहीं होना, उसमें क्या नहीं होना कि मेरा कोई अशुभ कर्म था तो इसलिए डॉक्टर को ये बात नज़र नहीं आई, ये एक डॉक्टर की कथा है मेरे साथ प्रैक्टिकल, उसको तकलीफ थी कोई पेट के अंदर कोई अंदर की तरफ जो, तो उसके जो कोई छोटी कोई फोड़ी फुलूसी था कोई अबनॉर्मल चीज़ थी, तो उसके वजह से उसको तकलीफ होती थी, तो उसने दवाई दुई देखो डॉक्टर था, फिर उसने चेकअप करा दिया, चेकअप था एक्सरे उसके हो गया, एक्सरे होकर गया एक्सरे के अंदर आया तो जो रेडियोलॉजिस्ट था जो डॉक्टर नॉर्मल नॉर्मल रिपोर्ट ने देख ली सबकी नॉर्मल, और उसको रोग कायम था, तो उसने दो तीन दफ़े कराया सर, दो तीन दफ़े वो नॉर्मल देख दिया, 10 साल 5 साल गुजर गए, फिर वही तकलीफ हुआ, तकलीफ कहीं हुई फिर तकलीफ, तो फिर वो गया दोबारा हॉस्पिटल में और जा करके ये कह मेरा ये तकलीफ है, तो नए डॉक्टर पास गया, नया डॉक्टर बोला अच्छा चेकअप करा लो, तो उसने दोबारा चेकअप करा ली, चेकअप करा ली तो उसने अंदर डायग्नोस कर ली, बस ये तकलीफ है, एक वामिटिश नॉर्मल पोड़ा को गांठ है और इसको दवाई से डिजोल्व हो जाइए अड्डो, तो उसने बोला मैं ये तो पहले कराया, मैंने यही कराया है इसी से ये तकलीफ थी पहले नहीं आया, बोले पहले आपको एक्सरे है, बोले हाँ बोले एक्सरे दिया, तो वो एक्सरे दे आके दिखाया तो डॉक्टर बोले है हाजिर है, डॉक्टर ने नॉर्मल लिख दिया और इसके अंदर तो कायम भी है, उसने गुरिंग कर दिया ये है आज आप, तो क्या बात थी, डॉक्टर ने पूछा कि ये बात क्या क्या बात थी, मैं कहा तो तुम्हारे अशुभ कर्म थे, अशुभ कर्म थे जब तक के लिए वो नहीं दिखा और वो भोग लिया आपने काफ़ी, और उसके बाद जब अच्छे अशुभ कर्म उतर गए उस वक्त गया डॉक्टर ने चल फिर मार्क कर दिया, पहले डॉक्टर गलती नहीं थी आपका अशुभ कर्म था इसलिए उन्होंने नॉर्मल लिख दिया, इस वक्त उनको मौत या बिंद समझो सूझा नहीं और नॉर्मल दिखा नॉर्मल लिख दिया, कर्म बाकी था
और जिसने कर्म का दोष लिया ठीक हो गया। मतलब ये है ज्ञान से आदमी को दुख नहीं होगा, किसी प्रकार का अफसोस नहीं होगा। जैसे हम डॉक्टरों में दिखाते हैं, कोई नहीं बताता, कोई नहीं होता, तो हम कहते हैं क्या दिया, दवाई दे दी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं नहीं है। अब आपको क्या, अगर ज्ञान होगा तो आप ब्लेम नहीं करोगे, आप उसको ब्लेम नहीं करोगे कि उसको नहीं दिखा कि मेरा कोई अशुभ कर्म था। अगर ये ज्ञान होने के बाद कुछ बनता नहीं आदमी, आदमी को अज्ञान का दुख है इस लोक में, और उसको सत्संग से ज्ञान हो जाता है कि तुम्हारे शुभ कर्म से तो तुमको तुम्हारे मन का अनुकूल घटना घटेंगे और अशुभ कर्म से प्रतिकूल घटेंगे। तो कोई चीज़ का पता नहीं चला, मेरी बात समझिए कि नहीं बात, ये समझिए ना कि अशुभ अशुभ कर्मों का भोगना आते हैं हम यहाँ पर, तो उसको पता हो जाता है ये मेरा शुभ कर्म है, कोई पीछे का अशुभ कर्म है, इसे तकलीफ है। समझे, कोई घटना घटिए तो हम घटना घटने के बाद फिर सोचते हैं हम लोग कुछ, तो सोचते बदला लेने की भावना आती है, ऐसे नाराजगी होती है। और अगर हमें ये ज्ञान है तो हमें उसका गुस्सा आएगा नहीं घटना घटने के बाद, क्योंकि मेरा शुभ कर्म था, मेरे साथ क्यों होती, करने वाला साथ तो था ही मेरे, वो तो साथ ही था, ये वो तो खेल खेल रहा, तो मौका दिया तो मेरा कर्म था वो दिया। ये कोई घटना घटने पर आदमी को ज्ञान है तो ये दुख नहीं आता, मेरे क्यों है मेरे साथ, एक्सीडेंट क्यों है, लड़ाई क्यों हुई मेरी, क्यों मेरे शरीर पर आए, मेरा शरीर रोगी हो गया, क्या हो गया, क्यों होया। तो क्यों का कारण का जवाब ये है कि अगर आपको ज्ञान हो जाए कि आपको सुख दे दुख देने वाला कोई नहीं, हमको हमारे अशुभ कर्म का फल होता जो हमें भोगते, ये रोग लगना, शरीर पर आना, शरीर पर दुख होना, दुख शरीर से होता है ना, और मन में ऐसी बात आ जाना जिसके ऊपर परेशानी होती है, ऐसे क्या उसने, ऐसे क्या, ऐसे क्या ऐसा करूँगा, मन से दुखी होना, घर में पत्नी के साथ होगी। अब आपको एक बात देखी थी, वो कल देखते आप बात कही जची नहीं आपको, जची नहीं तो वो बात उसके लिए फट, वो तो आप मेरे को बता दिया, अब नहीं बताते तो कूदते रहते, और कूदने से वो विचार ऊपर चले जाते, और ऊपर विचार जाके जाते कर्म बन कैसे है अशुभ कर्म, क्योंकि उससे सोचा था ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे किया, उसको ऐसे किया, ऐसे किया, ये कर्म की थ्योरी बता रहा हूँ आपको सामने क्या है। तो क्या है कि जब भी कोई तरह की घटना घटती है उसका इलाज देख लो, और इलाज क्या देखना है कि या तो यारो मुझको माफ़ कर दो, मैं नशे में, अगर ज्ञान पक्का है उस वक्त, चेतनता है थी, कहीं यहाँ चेतनता नहीं होती, घटना घट जाती फिर अफसोस आता कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए। तो हर घर की यह कहानी है, तो कल आपको जो विचार आया ना वो कुछ तरह का मुझे कहा आपने, बहुत अच्छा किया आपने कह दिया, और मैं मेरी तरीके से बात करनी उसको करनी थी, सब कुछ होगी हर बात कर ली, तो वो जो बात थी वो रफा होगी, सोच ईविल थिंकिंग बंद होगी, और नहीं तो ईविल थिंकिंग जो होती है ना बुरा, उससे बुरा कर्म बन जाता है। इस बात का आम आदमी ज्ञान नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ इसका फल क्या है, मैं बताता हूँ सबसे बड़ा ज्ञान ये है और सबको है। तो ज्ञान होने के बाद में क्या है कि आदमी को दुख सुख नहीं आएगा, रोग आएंगे, तकलीफ आएगी, तो वो चक्किया आया गया आ गया, और ज्ञान हो गया ना सत्संग, सत्संग से, ये सत्संग से होता है, सत्संग की बातों से समझिए आप, तो ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं बन नहीं बात समझे, तो कई बार जाओ, कई बार कोशिश करो, कई बार व्रत करो नियम को कायम करने के लिए, तब समझ आ जाएगी। तो एक जन्म की बात नहीं है, जो पीछे के कहते 100 साल से खुदा निकलती नहीं है, तो आदमी के जो संस्कार पड़े हुए हैं तरह तरह के, पता नहीं कौन से जन्म के, जन्म जन्मांतर के चाहते हैं, तो वो एक जन्म जाते नहीं हैं, मतलब टाइम लगती है उसकी, और किसी रुपये करे होते हैं तो एक दफ़े जाते हैं। मैं कहता हूँ ना आज ही आप व्रत कर लो, सत्संग रहता हूँ ना, लंबी चौड़ी बात क्या है इसकी, आज से आपने गुस्से का व्रत कर लो, गुस्सा पर नाराज जी आज ही जाइए कम्प्रोमाइज कर लो, विश्वास भूख के तो विश्वास से माफी माता जी बात है कोई बात होगी, और भाई भाई कहते भाई अब क्या बात है भैया, और पड़ोसी कहते भाई आज से आप राजेंगे क्या यार, जिंदगी काट रहे हैं, तू मेरा बुरा साथ है, मैं तेरा साथ हूँ, इनमें समझ आ जाए तो आप वो बन जाते हैं, छोटे बढ़ जाते हैं। आप ये नहीं समझते मेरे को घाट होगी, मेरी को महा कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ये नहीं करोगे, सोल्यूशन है वो ढंग है, छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहता है और पूरी जिंदगी होकर बढ़ते रहे। तो ज्ञान होने से काम होगा, ज्ञान गुरु है, जितने रोग शोक मुकाते हैं, मैं आपको कहता हूँ कभी डॉक्टर साहब दवाई है तो दे दो, ओल्ड एज की बीमारी है मेरे को, अब तो बोले ये तो होने वाले तो कोई बात नहीं, फिर नहीं तो हो नहीं कोई बात नहीं, जब नहीं इसका उपचार ही नहीं कोई तो कोई बात नहीं।
जा ठाकुर से नहीं है सारा, उसको कोटि नमस्कार है। ये ज्ञान करेगा आपको, निर्भय और फ्रेंकली बात। तो अब जो हम आते हैं, ये ज्ञान सत्संग से मिलेगा। सत्संग कोई जीवित गुरु से मिलेगा, गुरु नाम कोई पहाड़ का नहीं है, ज्ञान का है, समझ का है, विवेक का है। हमें समझ विवेक नहीं, वो समझ विवेक सत्संग देता है। जैसा आदमी होता है वो तकलीफ में होता है वही बात वो कहता है, नहीं समझ। तो ये जो सत्संग कराते हैं, जो कंक्लूजन है सत्संग का सार है, वो ये सुखात्मक जिंदगी जीने का तरीका, ताकि जो हमारे साथ घटना तो घटनी ही होना, तो कर्म तो गति टाड़ी नहीं टरे, समझाता है ना। राजा मुनि विशिष्य योगी पंडित शोध के लगन धरे, मरण दशरथ का हरण सिया का मन में विपत पड़े। तो जैसे बड़े बड़े आदमी थे, उतार रोक रहे थे वो, कहे कबीर सुनो भाई साधो होनी होके रही, जो कर्म गति टाड़ी नहीं टरे। तो ये ज्ञान निश्चयात्मक हो जाएगा तो आपको दुख नहीं आएगा, इसका मतलब आएगा शरीर का, मन का और आनंद का बेचैनी का, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता वो चीज़, इसका आएगा आपको, क्योंकि ये भवम है, भवम यानी दुख सुख के अंदर है, इसी से पैदा हो रहे हैं। ये जो शरीर है और जो मन है और जो आनंद है वो यहीं से हो रहा है, प्रकाश का खेल है वो, प्रकाश का आपका रूप है क्या है, अंध से बनता है, अंध बाप ने खाया उसे खून वाला खून की बीरिया में आकर आदमी बन जाता है। तो अंध प्रकाश से होता है, तो रूप तो प्रकाश का है, इस रोग में नहीं है तो दुख सुख वगैरह आते रहेंगे, शरीर का मन का और अंध का आता रहेगा। तो ज्ञान होने के बाद आपको ज़्यादा परवाह नहीं होगी कि कोई अशुभ कर्म कट जाएगा, कोशिश करो अच्छाई के लिए, फिर नहीं हो जाता कोई फिक्र नहीं, कोशिश करो कोई बात नाराजी है हल करने की, और फिर हल नहीं होता तो कोई बात नहीं। जैसे कर पड़ा युद्ध हुआ, वो टलने वाली बात ही नहीं थी, भरे पड़े थे वो, जो बुराई के भरे पड़े थे गो के, और वो डिस्प्ले हुआ, फिर को काफ़ी कोशिश की, और कहते हैं कृष्ण का अवतार जो था वो खुद उनके काम में था, रथ को आगे हाँकता था, उनका सलाहकार था, सब कुछ अवतार तो था ही, वो ठीक कर देता उनको, समझेगी नहीं बात। जब अवतार ही साथ था, पक्ष में था, तो तकलीफ क्यों आए, वो नरक में भी गई सबके सब। और ये तो बात क्या है, कर्म गति टारी नहीं टरे, समझे। अब फायदा क्या रहेगा, सत्संग से बात आपको समझ आ जाती है और अफसोस नहीं होता। जैसे मैं गया डॉक्टर बताया ये है वो बता दिया, ठीक है कोई अफसोस नहीं, और अब कोई अफसोस नहीं क्यों नहीं, भाई कोई टाइम होती है लिमिट सभी की, एक अला थोड़े जमाना आता जाता है, मेरे टाइम पूरी चल जाऊँगा, समझे ना बात। ये हो मैं मर जाऊँ, ये ले लूँ, ये लूँ तो ये दवाई ले लूँ, ये ले लूँ तो कलाकंद ले लूँ, कर्म गति टारी नहीं था। यत्न करना चाहिए आदमी ने, यत्न लाग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं छोड़ दे पीछे मत पड़ो उसको, तो भोगना है तो राजी भोग जी का कोई इलाज नहीं है तो भोग लो, है ये समझ। ये ज्ञान है सत्संग, और इस ज्ञान के लिए मनुष्य को अति ज़रूरत है, और कोई इलाज नहीं है सिवाय ज्ञान के, और कोई इलाज नहीं है, ज्ञान गुरु है। अब डॉक्टर जो देता ठीक है वो देता है, अगर आपका शुभ कर्म तो हो जाएगा ठीक है, जाना चाहिए दिखाना चाहिए उसको, अब नहीं होता उससे तो कोई अफसोस नहीं है, उसका समझ नहीं आई, वो टल सकता ही नहीं। वो मिसाल उदाहरण दे दिया ना आपको, डॉक्टर से बता दिया डॉक्टर का, एक डॉक्टर जो था वो खुद परेशानी में था, फिर मेरे को पूछा बोले ये क्या बात है, पहले जो मंत्री थी पर दिखाई तो क्यों नहीं आया, आगे हमें बोले भाई बात ही तेरा कर्म का चक्कर था, और वो कर्म का असर था तब तक डॉक्टर को मुँह नॉर्मल देख दिया, फिर मन ही नहीं बीमारी, और बीमारी आ जाती दिखी दिखी उसको, और जब शुभ कर्म आ गया तो डॉक्टर ने ड्रिंक कर दी गई, ये तकलीफ भाई यहाँ पर, वो डॉक्टर को ज्ञान दिया मैंने इसके लिए, ये बात है डॉक्टर साहब, ज्ञान ज्ञान की आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आदमी में हीलिंग पावर नहीं तो कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता, वो कुछ है नहीं सकती तो जिंदा करेगा क्यों, वो तो नहीं छोड़ेगा या चीज़ या कटे लग जाते। तो आज का सत्संग ये बताना चाहता हूँ कि कोई तकलीफ आती है हाय हिम्मत करो, ये हो गया मेरे साथ, ये कर दिया मेरे साथ, छोड़ दो इसको, होना ही था। जो होड़ी चीज़ को मुर्दा हो खेलने से फ़ायदा क्या, बदबू आएगी पुरानी बातों को, ये कहा तुमने, ये कहा तुमने, ये कहा फिर ये हो गया इसलिए हो गया, कथा मत जाओ उस चीज़ को दोबारा जिंदा कर रहे हो, वही होना था, होना था, उन्हीं को नमस्कार है हो गया, और अब जो कुछ हो रहा है वो ठीक है। और इसको पॉजिटिव ले लो कि जो पहले हुआ वो ठीक होया, ठीक है मतलब होना ही था वो, और जो अब होगा अभी हो रहा है वो ठीक है, आज आगे होगा ठीक होगा, वो ठीक करेगा मेरा, स्वीकार कर लो सिलेंडर का, समझो कोशिश करो। और ये कोई इसका दुख सुख नहीं माना किसी चीज़ का, इसलिए सत्संग कराते हैं, और इसी का नाम जीवित मुक्त है।
कि जीते आदमी जीते बंधन है, मेरा भाई है, मेरी बेटा है, मेरी जमीन है, मेरी घड़ी है, मेरा 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 सब। और उसको समझा जाए किसका तेरा है, हैदर तो इधर है, हवा निकली सब इधर जाएगा। ये समझ में आ जाए तो दुख नहीं होगा उसका। अरे मेरे पुणे का नाम नहीं है कि बेटा है, चलता बड़े तो भाया नहीं करेगा अभी, उसको नहीं जाना ही था। हाँ दुनिया जरूर कही कही, इसका तो लड़का मर गया, इसको गुस्सा हुआ, कुछ नहीं आया, आप सुन आया। फिर पंडित फकीर जी कहते मेरा लड़का से गुजरा तो मैं खुश था, बोले कोई बात अच्छा हो गया। तो मेरी औरत कहने लगी कि मेरा तो लड़का चला गया और आपके गुरु जी का खून बढ़िया, खुश है गुरु जी का खून बढ़िया। पर इसी ने सोचा मैं कहाँ पाड़ूंगा, पाड़ो सरदर था वो, या वैसे लड़का जो था वो ऐसे मुड़ में पैदा कर लिया था, तो जो होना चाहिए वैसे नहीं होगा। तो कहता है अच्छा होगा वो चला गया, नहीं तो मेरे को मेरा मुँह खड़ा करता, ये होता वो होता। तो ज्ञान से आदमी को शांति मिलती है और ज्ञान किसी जिंदे से मिलेगा। तो आज तक जो मैंने सत्संग कराए हैं, अभी जो करा रहा हूँ, वो मेरे ये समझ बात आ गई कि ज्ञान वाली बात। अरे अभी मेरे 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अभी जब कुछ हो जाए तो कोई तकलीफ बात करो, साथ बैठे बैठे हो जाए तो कोई बात चले कायम तो सदा रहना नहीं अच्छा होगा, ताकि लंगड़ा पड़ा कौन जगह और कुछ जाएगा। अगर उधर आना होगा तो ठीक आऊँगा, हर लाना होगा तो सदा के लिए जाऊँगा, वह बात नहीं तो सदा के लिए आऊँगा नहीं। इधर कोई अटैचमेंट नहीं होगा ना किसी तरह का ख्याल कि मेरा है कि वो है कि सब बंधन में टूट गए। तो ये सतगुरु के पहले दर्जे में बता रहे क्या कहते, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु के ध्यान से जितना अटैचमेंट है ना आपका, वो उसकी तरफ हो जाएगा कि मेरा वो हेरी कि मेरे गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो ऐसे गुरु का नाम ज्ञान से है और उसको मूर्ति बना लो। पहले उसको मन को इकट्ठा करने के लिए पत्थरी मूर्ति नहीं बना ली, वो जमाना था। अब कलयुग केंद्रीय नहीं है, कलयुग में क्या चीज़ है, संत का अवतार है, उसी का ध्यान करना है और उसी की बात सुननी है, ज्ञान लेना, ज्ञान गुरु है भी और सतगुरु से मिलेगा। तो कलयुग में सिर्फ केवल कली केवल एक नाव अधारा, वो नाव आपके अंदर है क्या बोले वही है, और उसका अनुभव करना है तो आप ही अंदर ही कर लो, कोई बाहर जाने की जरूरत, घर छोड़ के सन्यासी बनने की बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। अभी अनुभव किसी अनुभवी को इच्छा करो वो मिल जाएगा आपको, या मिल गया उसके बाद में उससे फ़ायदा उठा लो और बात समझो। तो मेरा तो इस तरह से साफ है ये काम, पर फकीर चंद जी की कृपा से जो बात मेरे को कई जन्म लगाना मेहनत करनी थी, वो पहले ही दिन उनके दर्शन ही दर्श परस भरम बाज गया, दर्श परस से भरम बाज गया। वो बताया ना चरण सिंह महाराज से गया तो उसने मेरा ये भ्रम मिटा दिया कि भगवान होता है। अरे महाराज जी के पास गया गरीब, वो ये कहता है वातम मैं मानता नहीं, कि मैं समझा कौन गुरु हो सकता, चरण सिंह को भी लोग भगवान मानते थे, अगर वो इतनी बात तो भाषण करते तो मैं ज़्यादा नहीं चलता, इतने थोड़े चक्कर है कि ये महाराज की मूर्ति है मेरी, और भी कई बात कही इसको जब जिंदा था तो मैं पूरा माना, मेरे सब काम हो गए और अब मैं इसे सब चले जाता हूँ, मुक्त रहता हूँ, परमात्मा का रूप बन जाता हूँ और शरीर में आता हूँ और दुनिया आदमी उनके काम करता हूँ। मैंने माना मेरा सब काम हो गया और तुझे नहीं मन तो कुछ नहीं होगा, तू कूड़ा करके डाल दी को अब सुन बोल दिया कुछ करेगी मूर्ति क्या समझा, मैं कुछ भी नहीं समझा। अरे बोले मैंने माना था तू नहीं मानता, शक्ति तेरे में है विचार में, तो नहीं मैं तो मानता हूँ तू नहीं मानता तो तेरे पर कोई असर नहीं इसका। मैं कहता नथिंग गुड नथिंग बैड एज यू थिंक सो इट, कहता हूँ नहीं कोई बुरा नहीं कोई भला, सोचते हुए बुरा सोचते तो बुरा आपके लिए, भला सोचते भला, सोच का मामला। तो मैंने इस बात से मेरे को जो अनुभव आया वो बात का सार ये है जितना सत्संग में दिया है उसका, इस लोक में ज्ञान से मनुष्य सुखी हो सकता है और जीते मुक्त हो सकता है। और ज्ञान किसी गुरु से मिलेगा, गुरु कैसे मिलेगा, जैसे इच्छा करोगे आ जाएगी, आपकी इच्छा पूरी है कि मेरे को ऐसा आदमी भेजो कि प्रभु ऐसा खुद आ जाए मेरे पास में जो मेरा सब काम ठीक हो जाए, पूरा गुरु मिले, सिख वाणी में लिखा पूरा सतगुरु खोजिए पूरी हो जगत हंधिया, अनुभव मिले तो आपको ये अनुभव करोगे मेरे को परमात्मा खुद ही आप आ जाओ मनुष्य रूप में, तो आपको जाने की जरूरत नहीं कैसे मिल जाएगा। अरे ये कोई गुरु आज लोग दिवा बेटे सालम से ले गए तो कोई बात नहीं हो जाएगा, आगे समझ। तो जो कुछ आप चाहते हो श्लोक में मिल सकता है, आपकी चाह जितने चाह तेरा, जहाँ डिमांड वहाँ पूर्ति, जहाँ मांग वहाँ पूर्ति है, समझे कि नहीं आप, तो आप चाह करो और हो जाएगा। चाह कर दिए दत्ता दयाल ने खड़ा किया बहुत पार्वती भंडार ऊपर से वो आता वो उधर बड़ा भंडार है और वो भंडार आपके विचार में है, वो नहीं कहता कि जाना जाना नहीं है, आप जो इच्छा करोगे तो ऐसा वातावरण मिल जाएगा अपना आप और वो काम हो जाएगा, समझे।
आपकी इच्छा से सब कुछ हो सकता है। तो आज का सत्संग मैंने आपको ये दिया कि सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग होने के बाद क्या होगा, निर्मोद का डर लगेगा, ये नहीं ये लगेगा, नहीं किसी का ब्लेम होगा, ये उसने ये किया, उसने ये किया, ये किया, ठीक है ना। दिखाने के बाद के अच्छे भाई हो जाएगा, नहीं अच्छे डॉक्टर क्या करेगा, जब जाना ही है तो डॉक्टर क्या करेगा, टाइम ही है तो फिर क्यों ब्लेम नहीं। ये सिर्फ संतोष पर विश्वास करके रहने से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा होगा, जो आगे होगा अच्छा होगा आपके लिए, वो करेगा अच्छा करेगा। उसको इष्ट आप उसको किसको, इष्ट को, इष्ट को बनाओ, इष्ट का भी रूप नहीं बनेगी नहीं वो पोजिशन, तो किसी को मानते हो आप, चलो देवी को माना, ग्राम को माना, किसी को माना, एक इष्ट को, कि उससे अच्छा कोई नहीं, वही। और इष्ट को शुरू से है, इसमें पहले कलयुग में गुरु का ध्यान धर प्यारे बिना इसके नहीं सकता, और ध्यान धरने से उसका बन जाता है। न बनने का कारण हमारी ब्रह्मचारी की शक्ति नहीं है, ऐसा ऐसा बन गया, बड़ी शक्ति है, ध्यान बन गया, अभ्यास बन गया आपकी, अब आगे का काम आगे चलता है। वो जो आगे का काम सोचते हो आप ही बनाते हो सब, ये गुरु बताएगा आपको कि जो कुछ आप कर रहे हो वो आपकी शक्ति है, प्रकाश को आप देखते हो, गुरु का रूप आप बनाते हो, देवी राम कृष्ण रूप बनाया, मनुष्य ने बनाया तो शक्ति मनुष्य में है, वो राम देवी तो है कर हरी मत मानने की बात मान्यता है, तो आपकी मान्यता में इतनी शक्ति है, पर वो आपके लिए है, सबके लिए नहीं है। तो सबके लिए क्या है, मनुष्य मात्र में यह शक्ति है। आपको फायदा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उसको यकीन नहीं है, क्योंकि उसको सत्संग नहीं मिला। तो आज का सत्संग मैंने कंक्लूजन दिया पूरे सत्संगों का, कि आदमी अंत समय तक रहे सब क्रम भोगरा इच्छा बुरा भोग लेता है, और जब जाता है तो कोई अफसोस नहीं उसको, समझे कि नहीं। अगर अभी जाना चार मिनट बन जाए, ये नहीं कि बैंक वाले छोड़ जाए, फिर किसका बैंक वाले, किसका देना है, किसका देना, आप मर्याद पढ़ लें, और मैं चले जाऊँगा तो ये हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, दुनिया जाए कुछ को नहीं हो, नहीं तरी चलता है। तो नहीं ये कि मेरे बाद में क्या होगा और मेरा क्या होगा, क्या क्या होगा, जो होना होगा, समझेंगे, जो होना है वो होगा। तो इस बात से आपको गाइडेंस मिलेगी, हौसला मिलेगा, ज़िंदगी में जीने का ढंग है। मेरे को तो ये हालत रही, नौकरी पूरी हौसले से कर ली, चाहे कितना बड़ा से बड़ा सर है, लोग डरते थे काम से, बिल्कुल अदब अदब किया, अदब को जो नहीं समझता था, जब सलाह क्वालिटी जिसकी नहीं है फिर उसको कभी ही देता था कि आपको सोबत नहीं देती ऐसा करना, अफसर हो कौन लगा रखे, कितने आदमी आपको सलाम सलूट करते, तो क्या हो गया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसे इजीली, समझे कि नहीं। जब ज़्यादा जाता तो जब फने होता ना, अफसर ज़्यादा अपना आप करता चता देता था, बुरी नीच से नहीं, दुश्मनी से नहीं, करड़े शब्दों में चेक रही तो कुछ नहीं। मेरे पता था कि सामने का विटनेस होना चाहिए, विटनेस तो आदमी मार दे कुछ नहीं, ये मैं जानता था कि तब बड़े अफसर हो थप्पड़ मार दे चार कोई बात नहीं, वो कहीं मेरे थप्पड़ मारे क्या है, पर क्या प्रूफ, विटनेस कोड ने देखा एक सिन मारे नहीं मारे कुछ, ये लाफ लड़ी के मन पता था कि जब विटनेस है कुछ नहीं, तो इसे उसको कह देता खड़ी बात ऐसी। और फिर जो बात आती दूसरा कहता अजी मैं कह सकता हूँ मेरा अफसर इतना प्यारा, इसी से सब काम होता है, बोलो हाँ ये बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा बुरा मान लिया होगा, स्वीकार मत करो, समझे कि नहीं। और झूठ बोलना पाप है, ये बोले बगैर बोले काम नहीं चलता है, दुनिया ऐसी है, तो जो कुछ करते हो जाए जहाँ से जो करते हो नीत तो नहीं होनी चाहिए, पहले ये करूँगा। आज का सत्संग है कि इस सत्संग से ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के बाद में आपको चिंता फिक्र भी अफसोस नहीं होगा कोई चीज़ का, ठीक है ना। ये बात अब कोई बात पूछनी है कि कोई शंका तो पूछ ले, आप सब कुछ हैं।